नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की शाम की तीन बड़ी अपडेट जान लेते हैं। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया है, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 14 मई की द्वितीय पारी की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक द्वारा 14 मई की द्वितीय पारी के पेपर को समय से पहले खोले जाने के कारण इस पेपर को आउट हुआ माना गया है। द्वितीय पारी में करीब 3.25 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। अब 14 मई को द्वितीय पारी की परीक्षा का फिर से आयोजन किया जाएगा। दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जानते हैं। भीषण गर्मी में स्वाइन फ्लू का हमला। कोरोना और डेंगू के बीच स्वाइन फ्लू के वायरस ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के साथ साथ स्वाइन फ्लू के संक्रमण का खतरा बढ़ने से चिकित्सा विभाग के इंतजामों की पोल खुलती नजर आ रही है। जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर समेत 10 जिलों में 45 दिन में ही स्वाइन फ्लू संक्रमित 47 पॉजिटिव केस मिले हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 1 जून से उदयपुर जयपुर के बीच फ्लाइट का संचालन होने वाला है। उदयपुर एयरपोर्ट से एक बार फिर जयपुर से उदयपुर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। मार्च में लागू हुए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर के समर शेड्यूल से इस फ्लाइट को हटा दिया गया था, मगर अब एक बार फिर से इसे बहाल कर दिया गया है। ऐसे में अब 1 जून से दोबारा उदयपुर से जयपुर के बीच ये फ्लाइट शुरू हो जाएगी। जयपुर से ये फ्लाइट दोबारा 1:55 पर उड़ान भरेगी। ये दोपहर 3 बजे तक आपको जयपुर पहुँचाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा परेशानी हो रही है बिजली कटौती को लेकर। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तेज गर्मी के चलते कूलर एसी चलने की वजह से रोजाना बिजली की खपत बढ़ गई है। सवाई माधोपुर में सामान्य दिनों में 20 लाख यूनिट से बढ़कर करीब 32 लाख यूनिट रोजाना पर पहुंच गई है। मांग के मुकाबले सप्लाई नहीं होने से शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की जा रही है। तेज गर्मी व प्रभावी मेंटेनेंस नहीं होने से बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मरों आदि में फॉल्ट भी बढ़ गए हैं। इसी के साथ कम वोल्टेज की समस्या भी आने लग रही है। दोस्तों आपके क्षेत्र में कितनी हो रही है बिजली कटौती, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में आज होगी बरसात, इन जिलों को मिलेगी गर्मी से राहत। राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में आगामी 2-3 दिनों में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात की संभावनाएं जगी है, जिससे तापमान व लू में हल्की गिरावट के साथ गर्मी से भी कुछ राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि इसका असर सीमित जिलों में सीमित समय के लिए रहेगा। वहीं बरसात की बूंदाबांदी के रूप में ही बरसेगी, इसके बाद फिर से गर्मी का कहर शुरू हो जाएगा। मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार को जयपुर संभाग में कहीं कहीं पर बादलों की गरज के साथ बरसात होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों ये थी राजस्थान की शाम की ताजा अपडेट। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।